अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 164, लैला की शर्त। एयरपोर्ट से फार्म हाउस तक पहुंचने में चंद्रा के साथ बाकी लोगों को कुछ देर लगी। रास्ते में कबीर ने उसे रूही के बारे में सब कुछ बता दिया था, जिसे सुनकर चंद्रा का खून खौलने लगा। उस नीच आदमी को तो मैं पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा, और उससे ज्यादा गुस्सा तो मुझे कुंवर साहब पर आ रहा है। उन्हें इतनी भी समझ नहीं हुई कि किस तरह के आदमी के हवाले अपनी फूल सी बच्ची को भेज रहे हैं। उस आदमी को इसका भयानक अंजाम भुगतना होगा। क्या सोचकर उसने मेरी भांजी के साथ मिसबिहेव करने की सोची? चंद्रा का बस नहीं चल रहा था कि उस इंसान को क्या से क्या कर देता, लेकिन कबीर उसी तरह शांत बैठा हुआ था। उसने गंभीर लहजे में बस एक बात कही, ऐसा है चंद्रा साहब, मर्द जात की एक सबसे खराब बात है कि वो अपनी बेटी के अलावा किसी के साथ भी मिसबिहेव करने से पहले सोचता नहीं है। कबीर के लफ्ज थे या कोई जहर बुझे तीर। चंद्रा अवाक रह गया। कुछ पलों तक तो वो कबीर का चेहरा देखकर उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, और जब कबीर के लफ्जों का सही मतलब समझ में आया तो एकदम से उसने नजरें चुरा ली। अब वो खिड़की से बाहर देखे जा रहा था, लेकिन कबीर की वो बात इतनी गहरी थी कि फिर सारे रास्ते उससे कुछ भी नहीं बोला गया। कबीर और चंद्रा की कार पहले ही फार्म हाउस पर पहुंच गई थी, जबकि लैला की कार को पहुंचते कुछ और वक्त लग गया। लैला जैसे ही कार से उतरी, वैसे ही उसके लिए एक सबसे खूबसूरत बात हुई। मंगरू काका उसके स्वागत के लिए मेन गेट पर ही मौजूद थे। उसने काका को देखते ही एकदम से उनके पैर छुए और मुस्कुराते हुए बोली, कैसे है काका? मंगरू का मन लैला से इतना मान पाकर भर आया था। उन्होंने अपनी छलकती हुई आंखों को जब्त करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ बिटिया, और आपको यहाँ दोबारा देखकर तो और भी ठीक हो गया हूँ। कितनी प्रार्थना की थी भगवान से उस रात कि आप सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, और मुझे बहुत खुशी है कि भगवान ने मेरी उस रात की प्रार्थना सुन ली। लैला ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हामी भरी और रूही की तरफ एक नजर देखा। वो बेहद हैरानी से काका और लैला के बीच होने वाली बातें सुन रही थी। जैसे ही उसकी नजर लैला से टकराई, वैसे ही उसने झट से सवाल किया, कौन सी रात? कोई कांड हुआ था क्या? ये सुनकर मंगरू ने जल्दी से बात पलटते हुए कहा, वो कुछ पुरानी बातें हैं रूही बेटा, लेकिन पहले हम आपसे मिल तो लें। कहकर वो रूही के बगल में जाकर खड़े हो गए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए रूही से कहा, पूरे 2 साल बाद देख रहा हूँ तुम्हें बिटिया, कितनी बड़ी हो गई हो। अच्छा किया जो यहाँ आ गई, इसी बहाने यहाँ फार्म हाउस में भी रौनक लगी हुई रहेगी। लैला ने उन्हें रूही से इतने प्यार से बातें करते हुए देखा तो काफी खुश हो गई। उसे ये देखकर अच्छा लगा कि रूही अब फ्लाइट वाला हादसा भूलकर मुस्कुराई जा रही थी। सुजॉय ब्रेकफास्ट के बाद स्टूडियो के लिए निकल ही रहा था कि तभी पाहुजा साहब उसके कमरे में आए। जब से जेनी वाला इंसिडेंट हुआ था, सुजॉय अनजाने से ही सारे लोगों से कुछ कटा कटा सा रहने लगा था। माँ तो माँ, उसे पाहुजा साहब की नजरे भी अब खुद पर चुपती हुई सी महसूस होने लगी थी। अभी भी पाहुजा साहब को अपने कमरे में देखकर उसे कुछ झुंझुलाहट सी हुई, लेकिन उसने जाहिरी तौर पर मुस्कुराते हुए उन्हें हेलो कहा। पाहुजा साहब के चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो सुजॉय को इस हालत में देखकर अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बगैर कुछ कहे हुए बेसाख्ता उसे गले से लगा लिया। सुजॉय पहले तो कुछ हैरान रह गया, लेकिन कुछ ही पलों में उसने ये महसूस किया कि अभी उसे इस चीज की कितनी जरूरत थी। पाहुजा साहब ने रुंधी हुई आवाज में कहा, ऐसे ऐसे खामोश नहीं होते बेटा, जो भी बात है मन में अपनी भड़ास निकाल दे, कह दे अपने डैड को अभी जो कुछ भी मन में चल रहा है। सुजॉय ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस उन्हें कुछ देर और शोर से भीचे रहा। थोड़ी देर बाद पाहुजा साहब ने धीरे से उससे अलग होते हुए कहा, मुझे लगता है तुझे जेनी से बात करनी चाहिए। वो इसके बारे में क्या सोचती है, क्या चाहती है? जो कुछ भी उसे लगता है कि गलत हुआ है, तो तू उसके लिए ऐसा क्या कर सकता है कि चीजें कुछ हल्की हो सके? लेकिन सुजॉय ने एकदम से मना करते हुए कहा, नहीं डैड, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। जिस दिन उसने मुझ पर ये ब्लेम किया था ना डैड, तब तक मुझे लगता रहा कि शायद मुझसे ही ऐसी कोई गलती हो गई होगी, लेकिन माया की पार्टी में जब उसे इतना रिलैक्स देखा ना डैड,
तभी मुझे लग गया था कि ये ढोंग कर रही है, इसीलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या फील करती है। ये कहते हुए सुजॉय के चेहरे पर गजब की सख्ती थी। खाने से निपटने के बाद लैला जब फार्म हाउस के गार्डन एरिया की तरफ आई तो वहां पर चंद्रा अपने आदमियों के साथ पहले से ही मौजूद था। वो काफी देर से लैला से बात करना चाह रहा था, लेकिन रूही के उसके आसपास होने की वजह से उसे बात करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए उसने अभी जैसे ही लैला को वहां पर देखा, अपने आदमियों को जाने का कहकर तेजी से उसके पास चला आया। उसने फूलों के गुच्छों पर अपना हाथ फेरती लैला को धीरे से पुकार कर कहा, मिस लैला। लैला चंद्रा की आवाज सुनकर चौंकते हुए पीछे पलटी। एक पल को उसका दिल थक से रह गया। पुरानी बातें एक एक करके जैसे फिर से आंखों की स्क्रीन पर चलने लगी। चंद्रा शायद उसका ऐसा बिहेवियर देखकर समझ गया था कि लैला के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने कुछ दूर से ही उसके ठीक सामने खड़े होकर कहा, मैं जानता हूं कि आप अभी मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी, लेकिन मैं यहां आपको सिर्फ रूही के लिए थैंक यू कहने आया हूं। मुझे नहीं पता कि अगर प्लेन में आप उससे नहीं मिलती तो फिर वो यहां किस हाल में पहुंचती। कहकर चंद्रा ने उस पर एक नजर डाली। लैला पूरे ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। चंद्रा ने आगे कहना शुरू किया, दरअसल रूही की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी। कुंवर सा ने दूसरी शादी कर ली तो ये बच्ची जैसे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी हिम्मत सब कुछ खो चुकी है। इसने हाल के ही दिनों में मुझे चिट्ठी लिखकर कहा कि मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मुझे तो फुर्सत नहीं थी इलेक्शन की वजह से, इसीलिए मैंने कुंवर साहब को कहा कि इसे किसी तरह से शिमला भिजवा दें। उन्होंने ना जाने किस आदमी के साथ इसे भेजा कि वो सारी नौबत आ गई। लैला रूही के बारे में सारी बातें जानकर हैरान रह गई। मासूम सी बच्ची अंदर ही अंदर कितना कुछ सह रही थी। उसे प्लेन में रूही का यूं पैनिक होकर बिहेव करना एक बार फिर से याद आने लगा था। चंद्रा ये सब कहकर खामोश हुआ तो लैला ने कहा, रूही एक बहुत प्यारी बच्ची है, उसके साथ इतना कुछ हो चुका है, मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था। इतनी छोटी सी उम्र में वो बच्ची क्या क्या नहीं झेल रही है, लेकिन मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि उसे आप तक सही सलामत पहुंचाने का जरिया मैं बनी। न जाने क्या बात थी कि चंद्रा की आंखें छिलमिलाने सी लगी थीं। उसने एकदम से अपने दोनों हाथ जोड़े और नजरें झुकाए हुए बोला, मिस लैला, मुझे मालूम है कि मैं आपका मुजरिम हूं। पता नहीं कैसे, लेकिन आज जब आपने मेरी भांजी की जान बचाई तो मुझे अचानक से अपने इतने गिरे हुए होने का एहसास होने लगा। मैंने आपको या आप जैसी सभी लड़कियों को हमेशा एक ऑब्जेक्ट ही समझा, लेकिन जब आज बात रूही पर आई तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि खुद मैं भी तो कुंवर सा के बेटे के दोस्त जैसा ही था। लैला खामोशी से उसकी बातें सुने जा रही थी। उसे ये जानकर बेहद अच्छा लगा कि चंद्रा को अपनी उस गलती का इस तरह एहसास हो रहा है। चंद्रा ने एक बार फिर कहा, मुझे माफ कर दीजिए मिस लैला, मुझे मालूम है मैंने उस दिन भी आपसे माफी मांगी थी, लेकिन आज जिस एहसास से मैं आपसे माफी मांग रहा हूं वो बिल्कुल प्योर है। उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगी, और रूही को बचाने के लिए एक बार फिर से आपका शुक्रिया। आप कहें, जैसे भी कहें, जो भी कहें, मैं इसके एवज में वो पूरा करने की कोशिश करूंगा। मेरी मरी हुई बहन की आखिरी निशानी है वो। मेरी तो ये सोचकर रूह कांप जाती है कि अगर उसके साथ आज कुछ गलत हो गया होता तो मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाता। ये बात सुनकर लैला ने कुछ सोचते हुए कहा, पता है चंद्रा साहब, जब मैं यहां आ रही थी तो मैंने आने से पहले एक बात सोची थी। आपके इलेक्शन कैंपेन के लिए मुझे एक शर्त रखनी थी, लेकिन उस वक्त मैं श्योर नहीं थी कि मैं आप तक अपनी बात रखूंगी कैसे, या अगर मैंने अपनी बात रख दी तो पता नहीं आप उसे मानेंगे भी या नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान के हर काम में कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है। जिस तरह से मुझे रूही मिली और मैं रूही की हेल्प करने का जरिया बनी, अब उसके बाद आप खुद से आगे बढ़कर मुझसे कुछ मांगने के लिए कह रहे हैं। कहते हुए लैला के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल बिखर गई। चंद्रा ने कहा, आप कुछ भी मांगिए मिस लैला, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकूं।
लैला ने नजरें झुकाए हुए कहा, मैं जो आपसे मांगने वाली हूँ चंद्रा साहब, वो आपके लिए देना बहुत आसान नहीं होगा शायद। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लेकिन एकदम से नामुमकिन भी नहीं। चंद्रा उसकी बातों से कुछ कंफ्यूज सा हो गया। उसने कहा, मैं कुछ समझा नहीं मिस लैला, आप किस बारे में बात कर रही हैं? तब लैला ने कहा, चंद्रा साहब, मैं आपको अभी जो कुछ भी कहने जा रही हूँ, आप ये मत समझिएगा कि मैं उन सब बातों को दोहराकर आपको किसी भी तरह से डिग्रेड करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा ये सब कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएं। कहकर लैला ने चंद्रा के एक्सप्रेशंस देखने चाहे। चंद्रा ने एकदम शांत लहजे में कहा, मिस लैला, अभी आपके एहसानों का पलड़ा इतना भारी है कि आप अगर अभी मुझसे जान भी मांगेंगी तो शायद मैं वो भी देने में नहीं हिचकिचाऊंगा। इसलिए आप बेझिझक बोल सकती हैं कि आप किस बारे में बात करना चाह रही हैं। लैला ने धीरे से कहा, चंद्रा साहब, पिछली बार जिस तरह से इसी फार्म हाउस पर आपने मेरे साथ मिसबिहेव किया था, अब उसके बाद मेरी जैसी लड़की के लिए आपके इलेक्शन कैंपेन में शामिल होना काफी मुश्किल था, लेकिन मुझे लगा कि मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ तक चली आई। मैं आपकी कैंपेनिंग सिर्फ एक ही शर्त पर करूंगी, और वो शर्त ये है कि आप अपने एजेंडे में लड़कियों की सुरक्षा, उनकी पढ़ाई और उनके एम्पावरमेंट के लिए भी कुछ पॉलिसीज अनाउंस करें, और ना सिर्फ अनाउंस करें बल्कि अगर आप जीत जाते हैं तो उसे फॉलो करने की भी कोशिश करें। लैला कहे जा रही थी और चंद्रा हैरानी से उसका मुंह देख रहा था। जिस तरह से उसने पिछली बार 2 लाख रुपए की डिमांड की थी, उसके बाद तो उसे ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार भी कैंपेनिंग के लिए वो काफी हैवी अमाउंट मांगने वाली है। लेकिन बजाय अपने लिए पैसों के, लैला ने मांगा भी तो क्या मांगा? चंद्रा की आंखें भर आई थी। उसने सीरियस लहजे में कहा, मिस लैला, आज आपकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि लोगों को लड़कियों में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट तलाशना बंद कर देना चाहिए। आज आपने इतनी बड़ी बात कही है जिसके सामने मैं और मेरा सब कुछ बहुत नीचे रह गए हैं। मैं आपको वादा करता हूँ लैला जी, आपने जो कुछ भी कहा है हम उसे पूरा करेंगे। चंद्रा के ये बात इतनी आसानी से मान लेने पर लैला के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखर गई। चंद्रा ने आगे कहा, मैंने जब उस आदमी के बारे में सुना जो रूही से मिसबिहेव कर रहा था, तो मुझे उस इंसान पर बहुत गुस्सा आया। लेकिन जब मेरे सामने आप थी, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे उस पर गुस्सा क्यों आ रहा है। मेरे खुद के अंदर भी तो एक वैसा ही इंसान बसता है। हालांकि मैं उस आदमी को यूं ही जाने नहीं दे सकता। उसने रूही को जितना भी परेशान किया है, उसे उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेकिन साथ ही आपकी ये सलाह मानकर, वाकई में बेटी और महिलाओं के लिए जरूरी स्टेप्स उठाकर मैं भी अपने हिस्से का पश्चाताप जरूर करूंगा। चंद्रा के लहजे से सच्चाई झलक रही थी। लैला के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखर गई। आज उसके मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। उसने आज से पहले खुद को इतना मजबूत कभी भी महसूस नहीं किया था। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी रूही भागती हुई आई। उसने आते ही एकदम से लैला का हाथ थाम कर कहा, दी, मेरे साथ चलिए ना, मुझे आपको कुछ दिखाना है। लैला ने एक नजर चंद्रा पर डाली और फिर मुस्कुराते हुए रूही के साथ चली गई। सुजोय शाम में जब घर वापस आया तो लतिका जी वहीं हॉल में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने सुजोय पर नजर पड़ते ही फिल्मी वर्ल्ड का नया एडिशन उसके सामने लगभग फेंकते हुए कहा, लो और इसे आंखें खोलकर पढ़ो। आखिर मैगजीन में ऐसा क्या छपा था जिसे पढ़कर लतिका जी इतनी टेंशन में थी। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।